झारखंड में संथाल परगना प्रमंडल के डीआईजी सुदर्शन मंडल शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण को लेकर साहिबगंज पहुंचे। यहां पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय के समीप डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआईजी ने एसपी नौसाद आलम से विधि व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही नए जिड़वाबाड़ी थाना के संचालन संबंधी जानकारी लेते हुए मानव संसाधन पर चर्चा की। डीआईजी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस वालों की कमी सहित आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं गंगा रिवर थाना से संबंधित जानकारी लेते हुए जमीन का चयन सहित प्रशासनिक प्रयासों पर चर्चा करते हुए रिवर थाना स्थापित करने की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीआईजी ने कहा कि जिले के दियारा क्षेत्र और गंगा तट क्षेत्र के 55 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो बीच का हिस्सा हो, जहां से पुलिस पूरी तरह निगरानी कर सके, उस जगह पर गंगा रिवर थाना के लिए जमीन का चयन किया जाए। वहीं डीआईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर मौजूद पुलिस बल, उनकी प्रतिनियुक्ति सहित पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी जानकारी ली। लगातार जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ने को लेकर भी एसपी से कई जानकारी हासिल की गई और इन्हें निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी थानों के फरार वारंटी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और अपराध से जुड़े लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया। पुलिस लाइन का एनुअल इंस्पेक्शन आया है कि पुलिस लाइन के जो फोर्स का हमारा है यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, विधि व्यवस्था उसका क्या यूज किया जा रहा है, डीएपी का क्या स्ट्रेंथ है, उसका वेलफेयर क्या है, डिसिप्लिन एक्शन क्या है, इसी से रेकर्ड का अवलोकन करने आया। थैंक यू सर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज़।